साथियों नमस्कार। आज हम आपातकालीन उपबंधों के बारे में बात करने वाले हैं और ये आपातकालीन जो उपबंध हैं, जो आपातकाल की शक्तियां हैं, वो कुछ शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो हम आज बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जो आपातकाल है, इस आपातकाल का अर्थ जानिए। आपातकाल अर्थात एक ऐसा समय जिसमें स्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो देश उस असामान्य स्थिति से निपटे कैसे? तो उन कंडीशंस में किसी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए हमने आपातकाल के प्रावधान किए हुए हैं। बाकायदा संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। जैसे किसी युद्ध के मामले में कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण कर दें, हम लोग युद्ध में शामिल हो जाएं, या देश के अंदर से ही एक प्रकार का सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक असंतोष, देश के अंदर ही दंगे फसाद शुरू हो जाएं, ठीक है, बहुत बड़े व्यापक तौर पर, या फिर देश में वित्तीय खतरा हो जाए, देश की साख के ऊपर खतरा हो जाए, तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां आपातकाल का प्रावधान होता है। मैंने कहा कि आपातकाल को बकायदा संविधान में उल्लेख किया हुआ है। ये जो है वो संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख मिलता है। और अगर मैं आर्टिकल की बताऊं आपको, तो अनुच्छेद 352 से शुरू होते हैं और 352 से लेकर के 360 तक जो है इनका उल्लेख मिलता है। किसका? आपातकाल का, इमरजेंसी का। समझे बात को? बात क्लियर हो गई आपको? आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक का है। प्रकार बताता हूँ मैं, ये जो आपातकाल हैं उनके प्रकार कितने हैं। आपातकाल बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन कौन से आपातकाल के प्रकार हैं? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक बात हुई। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 352 में मिलता है। एक होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और इसका उल्लेख मिलता है 356 आर्टिकल में। एक होता है वित्तीय आपातकाल, इसका जिक्र आर्टिकल 360 में है। तो मोटे मोटे तौर पे आपने तीन आर्टिकल पढ़े। एक आपने पढ़ा आर्टिकल 352, एक आपने आर्टिकल पढ़ा 356, और एक आपने आर्टिकल पढ़ा 360। इस आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी की बात की है। इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की है, प्रेसिडेंशियल रूल की, ठीक है। इस 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हुई है, वित्तीय आपात के बारे में। तो ये तीन आर्टिकल जो है, इन तीन आर्टिकल के बारे में हमें व्यावहारिक तौर पर पढ़ना है, इसको समझना है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत जो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या उनके बारे में विशेष बातें हैं, वो सब हमें चीज़ इसके अंदर जाननी है। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल, इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 352 में। उल्लेख कहाँ मिला? 352 में। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तीन परिस्थितियों के अंतर्गत। समझे बात को? तीन परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? एक तो है बाह्य आक्रमण होने पर, एक है युद्ध में शामिल होने पर, ठीक, और लास्ट में आपका जो है वो है, पहले अभी लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर समझिए तीनों को। देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? राष्ट्रपति उस आपातकाल की घोषणा करेगा तब आपातकाल लगेगा। तीन कंडीशन मैंने बताई हैं, तीन स्थितियां। एक, जब बाह्य आक्रमण करे, मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण। दूसरा, युद्ध में शामिल होना, अर्थात हम लोग युद्ध में शामिल हो गए, हमने अपने पड़ोसी देश पे, अन्य किसी भी देश पे आक्रमण कर दिया। तीसरी बात, सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह जो है ये एक्चुअल में 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा है 1978 में, ये जो शब्द जोड़ा है। तो आप कहोगे 1978 में हमने ये शब्द लेके आए, तो इससे पहले क्या शब्द था? तो इससे पहले जो शब्द था वो लिखा हुआ था आंतरिक असंतोष, या फिर कुछ किताबों में आपको मिलेगी इसकी भाषा आंतरिक अशांति या फिर आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, तो ये तीन स्थितियां हैं जब देश पर इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन घोषणा करेगा इसकी? घोषणा करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति की पावर है, राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियां हैं ये। ठीक है, पहली बात मैंने बताया बाह्य आक्रमण होने पर कि हमारे ऊपर कोई बाहरी देश, कोई बाह्य देश आक्रमण कर दे। दूसरी बात युद्ध में शामिल होने पर, अर्थात हम लोग जैसे किसी बाहरी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम लोगों ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की, अर्थात हम लोग युद्ध में शामिल हो गए। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या होता आंतरिक असंतोष, देश के अंदर से ही गड़बड़ी शुरू हो जाए, देश के अंदर से ही दंगे फसाद शुरू हो जाए, बहुत व्यापक तौर पर असंतोष फैल जाए जनता में, अशांति फैल जाए, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन इस आंतरिक असंतोष वाले शब्द को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसके जगह पे हमने एक नया शब्द इसमें जोड़ा जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। ये जो शब्द है इसको हमने संविधान के अंदर जोड़ दिया। इतनी बातें समझ पाए होंगे आप लोग। अब एक बात ये आती है कि हमने तीन कंडीशन बताई है, नंबर एक कंडीशन ये वाली, नंबर दो कंडीशन ये वाली, नंबर तीन कंडीशन ये वाली, कि यह तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा, या तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, या ऐसे हालात बनने चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है इन तीनों में से किसी एक भी स्थिति के होने के, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, तो तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और जान लेनी चाहिए, जो ये आर्टिकल 352 है, इस आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, इसमें लिखा हुआ है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो किस प्रकार से लगेगी, क्या राष्ट्रपति अपने मन से लगा देगा उसको, क्या राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री कहने से इमरजेंसी को लगा देगा। इसकी खास बात यह है ये जो इमरजेंसी लगाई जाएगी वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, अर्थात मंत्रिमंडल उसको लिखित में लिख करके देगा तब इमरजेंसी लगाई जाएगी, अन्यथा इमरजेंसी नहीं लगेगी। ठीक है, इमरजेंसी अन्यथा नहीं लगेगी, लिखित सलाह समझिए। तो जो कैबिनेट जो शब्द है, मैंने कहा कैबिनेट बोलते हैं इसको, जो कैबिनेट जो शब्द है वो इसी आर्टिकल 352 में उसका जिक्र है, उसके अलावा कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है, समझ गए बात। तो मंत्रिमंडल जब लिखित में सलाह देगा तो ही राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी की घोषणा करेगा, इमरजेंसी लगाएगा। क्या शुरू से यही प्रावधान है? शुरू से ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस समय इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा था इमरजेंसी लगाने के बारे में, मंत्रिमंडल से कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। मंत्रिमंडल को तो बाद में पता लगा कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है, तो क्या आप मानते हो कि यह बात ठीक थी? जो देश के विभिन्न भागों से चुन करके आए हैं संसद में सदस्य, और उन संसद के सदस्यों में से कुछ चंद लोग जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रभावशाली हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, मंत्री बनाया गया, आप उनकी बिना सलाह के आपने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, तो क्या जायज मानते हो इसको? ठीक है, तो उसके बाद 1975 में इस इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी जी की करारी हार हुई। हार के बाद में अगली सरकार बनती है जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ये देखते हैं कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई, क्या क्या उसके कारण थे, क्या वो ठीक थी या नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन करवाया जांच के लिए, उसका नाम है शाह आयोग, आपने नाम सुना हो तो। शाह आयोग का गठन हुआ, शाह आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, और शाह आयोग के सिफारिशों के बाद में संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन जो है वो इसकी सिफारिशों पर ही किया गया है, जो शाह आयोग की जो सिफारिशें थी उस पर, और उसके बाद संविधान में ये चीज़ जोड़ी गई, क्या,
कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, केवल प्रधानमंत्री के कह देने मात्र से राष्ट्रीय आपातकाल देश में नहीं लगाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें इतनी यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है, तो ये कब तक चालू रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा हो चुकी है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल जो जारी रहने की जो अवधि है वो एक माह तक रहेगी। जैसे ही एक माह पूरा हुआ आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद से आपको क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर संसद ये कहता है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा, अन्यथा अगर संसद ने इनकार कर दिया तो एक महीने के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। तो इसकी जारी रहने की अवधि जब शुरू हुआ है तो कितने समय तक है? हम कहेंगे वो केवल एक माह तक है उसकी अवधि। बात समझ में आ गई आपको? अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को, नेशनल इमरजेंसी को, NE, मैं शॉर्ट में नेशनल इमरजेंसी को NE बोल रहा हूँ, NE को जारी कैसे रखा जाए? इसके लिए जवाब सीधे सीधे से ये कि इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? संसद से अनुमति। लेकिन प्रश्न ये है कि संसद से अनुमति कैसे लें? ये संसद अनुमति कैसे देगा? संसद का अनुमति देने का तरीका ये है कि संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, कैसे? 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, टोटल हो गए 790। इन 790 में से जिनकी ज़्यादा वोट आएंगी, एक तो वो भाई मान के चलो 790 की हमने बात की है, ये 790 हैं, तो 790 में से जो ज़्यादा समर्थन करेंगे, आधे से ज़्यादा पे आपको बहुमत मिल जाएगा। आप जानते हो 790 को आप 2 से डिवाइड करोगे। बात समझ पा रहे हैं? तो एक तो ये बहुमत प्लस विशेष बहुमत भी आपको लेना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उपस्थित व उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। समझे बात को? तो मैंने आपसे ये कहा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो वो कितने समय तक रहेगा जारी? मैंने कहा एक माह तक। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उसकी जो नेचुरल अवधि है वो है एक माह। लेकिन हमें इस एक माह को और बढ़ाना है, इस एक माह को हमें और आगे लेकर के जाना है, तो क्या करें? उसके लिए हमें जारी कैसे रखें उसको एक माह से ज़्यादा? उसके लिए हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद अनुमति कैसे देगा? अब मान चलो संसद ने अनुमति नहीं दी तो क्या होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल एक महीने के बाद में खुद ही खत्म हो जाएगा, समझे? लेकिन हमें इस राष्ट्रीय आपातकाल को एक माह से ज़्यादा एक्सटेंड करना है, हमें एक माह से ज़्यादा अवधि तक इसको बढ़ा के रखना है, तो क्या करें? उसके लिए प्रावधान ये है कि हमें संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य कितने? 545 राज्यसभा में, लोकसभा में 245 राज्यसभा में, और ये हो गई 790। बहुमत कैसे निकालेंगे? 790 को 2 से डिवाइड करो। भाई दो तरफा बात होगी, कुछ पक्ष में होंगे कुछ पक्ष में नहीं होंगे। कुछ लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाए, कुछ ही चाहते हैं कि आपातकाल खत्म ना हो, तो उनकी वोटिंग करवाई जाएगी। इन टोटल सदस्य कितने हैं संसद के? 790। इन 790 सदस्यों की मैं बात करूं तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गए 395 प्लस 1, अर्थात जो 396 बंदे जिस पक्ष में हैं, इन 790 में से 396 मेंबर्स जो हैं संसद के, वो जिस पक्ष में हैं, अगर वो इसको जारी रखने के पक्ष में तो जारी रहेगा, नहीं है तो खत्म हो जाएगा। प्लस इतने से काम नहीं चलेगा केवल, प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है? देखो भाई, जरूरी थोड़ी ना है संसद, जब मान चलो एक स्कूल है उसमें जो क्लासें लग रही है वो जरूरी थोड़ी ना उस क्लास के सारे बच्चे ही हर दिन आएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो एब्सेंट भी रहते हैं। तो उपस्थित, और कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया, कुछ लोगों का मतदान कैंसिल हो गया जिसने उपस्थित हैं, तो ऐसा मानते हैं, मान के चलो उस दिन टोटल मेंबर 790 हैं, हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में, है ना? इन 790 में से भी ऐसा मानो कि टोटल जो सदस्य थे 790 में से 730 ने वोट डाला। ये 730 ने क्या डाला? वोट। उपस्थित हैं, ये क्या हैं? उपस्थित, और उन्होंने वोट डाला। लेकिन इसमें से 10 वोट जो हैं वो कैंसिल होगी, वोट खराब चलेगी,
ठीक है, वो 10 वोट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जब 730 में से तो ये बची 720, तो उपस्थित हैं और जो मतदान जिन्होंने किया, जिन्होंने वोट डाली हैं, तो वो कितनी है, 720। अब इस 720 का दो तिहाई बहुमत, तो ऐसे करेंगे 720 का दो तिहाई बहुमत निकालने के लिए, जानते हो सिंपल सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। 720 और इसका दो तिहाई बहुमत हमें लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 240, और 240 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 480। कहने का मतलब 480 सदस्य अगर सहमत हैं, और यहाँ कितने, जब हमने नॉर्मल जो वोटिंग कराई टोटल सदस्य की संख्या लेकर के, तो उनमें से 396 सदस्य सहमत होने चाहिए, और दो तिहाई बहुमत जब हमने निकाला एग्जाम्पल से, मैंने 480 बंदे जब उससे सहमत हैं, उसको जारी रखने के समर्थन में हैं, तो इस एक माह को अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका प्रश्न अब ये होगा कि एक माह से कितनी अवधि तक और बढ़ाया जा सकता है, तो एक माह की जो अवधि है उसको 6 माह तक, एक माह तक तो पहले से नेचुरली तौर पर हमें मिला था व्यवहारिक तौर पर, और उसके बाद में क्या मिल गई, संसद से अनुमति, संसद ने क्या दे दी, अनुमति। तो अब ये रहेगा 6 माह तक, अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 6 माह तक की अवधि के लिए हमने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। प्रश्न एक और है, मान के चलो इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या करें, हमें राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना, तो क्या करेंगे, तो भी लोकसभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा, क्योंकि राज्यसभा एक हमारे पास स्थायी सदन के रूप में है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा की अनुमति से हम उसको एक्सटेंड करेंगे, बात समझ में आई। लेकिन अगर कुछ समय बाद में लोकसभा दोबारा से बन जाती है, दोबारा से नए सिरे से लोकसभा अगर गठित हो जाती है, तो क्या करेंगे फिर, तो लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी दोबारा से लोकसभा से। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने की मैंने प्रोसेस आपको समझाई है कि राष्ट्रीय आपातकाल को जारी कैसे रखेंगे, समझे बात को। अब राष्ट्रीय आपातकाल को हमें ख़त्म करना हो तो ख़त्म कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को जारी कैसे रखें, वो समझ लिए हमने। प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को हमें ख़त्म करना है तो कैसे करें। एक कंडीशन ये थी, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसको आप जारी रखने के लिए प्रस्ताव मत लाइए, संसदीय अनुमोदन प्राप्त मत कीजिए, तो 1 महीने के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात, इसमें संसद की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमें राष्ट्रीय आपातकाल को ख़त्म करना है तो संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। जिस प्रकार से हमने कहा था कि जारी रखने के लिए हम संसद के दोनों सदस्यों का 2/3 बहुमत ले रहे थे, संसद का हम साधारण बहुमत ले रहे थे, तो इसमें ऐसा बहुमत का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं इसमें, कैसे, लोकसभा, मान चलो लोकसभा ने नेशनल इमरजेंसी को जारी रखने का जो प्रस्ताव आया, लेकिन लोकसभा ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, या फिर यूं कहें कि लोकसभा नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करने का प्रस्ताव लेकर के आ रही है, तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर देगा। अगली बात, या फिर लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को ये नोटिस दें कि हम नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करना चाह रहे हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जाहिर तौर पर पहले किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो वो राष्ट्रपति को देंगे, वो कैसे, भाई टोटल जो सदस्य हैं लोकसभा में 545 हैं, तो 1/10 सदस्य हो गए लगभग इतने, इसको मान लेते हैं 55। अगर 55 सदस्य ये लिखित में नोटिस दें तो राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष बकायदा संसद की बैठक बुलाएगा, उसमें चर्चा की जाएगी कि हमें इसको समाप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कैसे किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाएगा देश में या देश के किसी एक भाग में, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है वो इसलिए लगाया जाता है जब देश में असामान्य हालात हों, स्थिति असामान्य हो। तो जब स्थिति असामान्य है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद क्या फेरबदल होगा, क्या चेंजिंग होगी, क्या कुछ विशेष बातें हमें सरकार संबंधित, संसद से संबंधित या देश की शासन व्यवस्था से संबंधित देखने को मिलेंगी,
वो चीज़ मैं आपके सामने आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल में क्या होता है, पहली बात केंद्र सरकार के हाथ में राज्य सरकारों को नियंत्रण आ जाता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो कोई कार्यकारी कार्यपालिका संबंधी कोई काम करना चाहती हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगी, केंद्र के निर्देश के अनुसार उन्हें काम करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय देश में कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं, हो सकता है बाहरी आक्रमण हुआ हो या हमने किसी को पराक्रमण किया हो या सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन हो, तीन प्रकार कंडीशन बताइए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब आपातकाल लगा हुआ है उसमें केंद्र सरकार के हाथ में राज्य सरकारों का नियंत्रण आ जाता है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार काम करेंगी, जो निर्देश होंगे दिशा निर्देश उनके लिए जारी किए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये कार्यपालिका संबंधित फेरबदल हुआ, प्रभाव हुआ। अगली बात, दूसरी बात आपको इसमें नजर आ रही है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संसद के पास में राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे भी विधि बनाने का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। आपको पता है तीन प्रकार की सूचियाँ होती हैं, ठीक है? एक संघ सूची, संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एक राज्य सूची, उसके सारे विषय राज्य सूची के सारे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास में है। समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाए। लेकिन यहाँ आपने देखा, पहले वाले पॉइंट में आपने समझा कि केंद्र सरकार के हाथ में नियंत्रण है, अर्थात राज्य सरकार कानून भी नहीं बना सकती, ठीक है? कानून भी कौन बना रहा है? संसद, अर्थात केंद्र सरकार, ठीक है? संसद कानून बना रहा है राज्य सूची के विषय पर भी। आप जानते हो आर्टिकल 250 आर्टिकल 250 में जिक्र किया हुआ है राज्य सूची के विषयों के बारे में, ठीक है? दूसरी बात, मैं वित्तीय बात आपको बताता हूँ, फाइनेंशियली क्या प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार राज्यों के लिए जो धन दे रही है, जो धन आवंटित किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए, तो इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में उसको कम कर सकता है। भाई मान के चलो केंद्र सरकार, ठीक है, 50 करोड़ दे रही है हरियाणा के लिए, आपातकाल लग गया तो वो हो सकता है 50 करोड़ की जगह 30 करोड़ कर दे, राष्ट्रपति के हाथ में ये चीज़, ठीक है? तो उसको कम भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी, उसको रोक भी सकता है, हो सकता है 1 रुपया भी नहीं दे राज्य सरकार के लिए। तो ये बातें हुई, मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में जो बात बताई है वो बताई है आपके लिए कार्यपालिका संबंधित क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे में विधायिका संबंधित, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कानून बनाने का अधिकार की बात हुई है। एक बात और जान लीजिए, ये जो कानून है, ये कानून कोई मान चलो आपातकाल के समय कोई कानून केंद्र सरकार ने बना दिया जो कि राज्य सूची के विषय के अंतर्गत था, वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा? जैसे ही आपातकाल हटेगा, उसके हटने के आपातकाल के हटने के 6 माह बाद तक वो कानून लागू रहेगा, 6 माह के बाद में ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपातकाल लगने पर मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आर्टिकल आपको याद कर लेना चाहिए, आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 क्या कहता है? जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर जो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है? फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, या फिर मैं कहूं कि पूरा का पूरा आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 358 में 358 आर्टिकल ये कहता है, जैसे ही देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित होता है वो आर्टिकल 352 के तहत होता है। तो 352 लगते ही आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है कुछ समय के लिए, स्वतः निलंबित, कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए रोक दिया, कुछ टाइम के लिए जो हमारी 6 प्रकार की आज़ादी थी उनको छीन लिया सरकार ने। ये बात लिखी हुई है किसमें? आर्टिकल 358 में। बात समझे? सिंपल सिंपल सी बात याद करनी है, 358 में ये लिखा हुआ है कि अगर 352 लग जाए तो 352 लगने से 19 खत्म हो जाएगा। आसान बात, एक तो बात हुई ये। एक दूसरा आर्टिकल आपको भी याद होना चाहिए,
359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं उसके बाद में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी मूल अधिकार बचे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। समझे मेरी बात? सारे के सारे मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? निलंबन हो जाएगा उनका, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे टेम्पररी तौर पर, अस्थायी तौर पर, ठीक है। आर्टिकल 20 में आप जानते हो अपराधों के लिए दो सिद्धि संबंधी संरक्षण कि एक अगर आपने गुनाह किया तो उसकी एक ही सजा मिलेगी। बात समझ आई आपको? आपको अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिस समय आपने अपराध किया है उस समय के अपराध के हिसाब, उस समय के अपराध की क्या सजा है वही सजा आपको मिलेगी। 20 में, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार की बात की हुई है। समझे बात को? तो ये मूल अधिकारों से संबंधित बातें हों कि मूल अधिकारों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि देश में अभी तक कुल कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक की डेट में, अभी 2023 चल रहा है, कुल 3 बार ऐसे हालात बने हैं, 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सबसे पहली बार लगा था 1962 में, ठीक है। 1962 में क्यों लगा था? क्योंकि हमारे ऊपर चीन ने आक्रमण किया था, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था। तो ये 1968 तक चला था, 62 से शुरू हुआ 68 तक, अर्थात 6 साल तक जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति रही थी, ठीक है। एक तो बात ये हुई, इसी दौरान पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ 1965 में, लेकिन उस समय यही वाला जो है चलता हुआ आ रहा था राष्ट्रीय आपातकाल, कोई नए सिरे से या अलग से हमने राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया था, ठीक है। ये पहला हुआ, दूसरी बार लगा 1971 में। 1971 में भी क्यों लगा? क्योंकि उस समय पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है, जब बांग्लादेश एक नया देश बन करके उभरा था, 1971 में हुआ। उसके बाद 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अर्थात आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति भी आपको मालूम कर लेना चाहिए, उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्योंकि ये वाली जो इमरजेंसी है 1975 वाली, ये इसके ऊपर मूवी भी बनी, इसकी चर्चा भी होती है राजनीतिक गलियारों में, बकायदे इसका नाम लिया जाता है। तो ये काफ़ी फेमस रही है उस समय की इमरजेंसी, ठीक है। आपने सुना होगा नसबंदी का एक बार दौर चलाया था इंदिरा सरकार ने, तो वो सब इसी इमरजेंसी के कारनामे हैं सारे के सारे। इतनी बात समझे? आपको एक बात और मैं बताता हूँ नई सिरे से। मैं कहता हूँ आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है। क्यों लगती है? इस इमरजेंसी 3 वजह से लग सकती है, या तो क्या हो बाह्य आक्रमण, या फिर क्या युद्ध में शामिल हो जाएं हम लोग, अर्थात हम किसी पर आक्रमण कर दें, या फिर सशस्त्र विद्रोह की वजह से। ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों में जो पहले 2 कारण हैं, बाह्य आक्रमण अर्थात हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, युद्ध में शामिल होना अर्थात हम किसी के ऊपर अटैक कर दें, दोनों ही केस में इमरजेंसी लगेगी। मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 358 में ये बात लिखी हुई थी कि जो आर्टिकल 19 है वो क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। लेकिन इसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ, आप जानते हो 44वां संविधान 1978 में हुआ है, और इसमें ये कहा कि ठीक है आप आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 को जो है आप ख़त्म कर सकते हो राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन केवल तभी जब राष्ट्रीय आपातकाल इन 2 वजह से लगा हो, तभी आर्टिकल की जो ये हैं 358 में जो लिखी ये बात कि आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं उनको निलंबित करेंगे। अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ये बात कब जोड़ी गई? ये बात 1978 में जोड़ी गई। वासन भाई, 352 आर्टिकल 352 में 3 कारणों से लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल, और 358 में ये बात लिखी हुई है कि 352 लगते के साथ आर्टिकल 19 को हम निलंबित कर देंगे। लेकिन ये तो देखो कि 352 लगी कैसे है,
हमने कहा 352 लगने के तीन कारण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें ये बात कही गई 44वें संविधान संशोधन में कि आप आर्टिकल 19 को समाप्त कर रहे हो, ठीक है, लेकिन केवल अगर इस वजह से इमरजेंसी लगी है, अर्थात हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है या फिर हमने किसी के ऊपर अटैक किया है युद्ध में, तो ही इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की वजह से अगर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है।